रेल कियारा टनल हादसे के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखंड में बनाए गए सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया है, जहां जरूरत है आगे कराया जाएगा। हरिद्वार पहुंचे लोक निर्माण सचिव पंकज कुमार पांडे ने दावा किया कि सिलकियारा टनल हादसे के बाद पुलों की सेफ्टी से कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। आपको बता दें कि पंकज कुमार पांडे ने हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्माणाधीन पुलों और सड़कों को तय समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी तक दूधाधारी चौक के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर और आगामी जून के महीने तक हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सिलकियारा टनल हादसे से सबक लेते हुए उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। देखिए, दूधाधारी वाला जो फ्लाईओवर है वो 15 जनवरी तक उसको स्टार्ट होने की संभावना है। आज हम जाके वहाँ पे साइट पे भी एक बार देख ले रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि चालू कर लेंगे तब तक हम लोग। और नजीबाबाद वाला जो सेक्शन है हरिद्वार नजीबाबाद, उसमें मुझे जो बताया गया है उसके हिसाब से जून तक उसको चालू हो जाना चाहिए। बाकी बीच बीच में कुछ स्ट्रेच हैं, वो पहले भी चालू हो सकते हैं, उसमें कुछ इशूज़ हैं, उसको हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। कोशिश करेंगे कि वो इशूज़ रिजॉल्व हो जाएँ और जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं इसमें वो जल्दी से काम करके इसको चालू करें। कि जो ब्रिजेज़ हैं हमारे पास टनल कोई भी नहीं है, पहले से PWD के पास कोई टनल नहीं है, तो जो ब्रिजेज़ थे उनको हम लोगों ने सेफ्टी ऑडिट कराया है और उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत है उसको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आगे जो भी भविष्य में हम टनल या कोई और चीज़ प्लान करेंगे उसमें सारे सेफ्टी फीचर्स और सारे जो पैरामीटर्स हैं जो हमको इससे सिलकियारा टनल हादसे से जो सबक मिले हैं उनको जरूर हम लोग ध्यान में रखेंगे, जिससे कि इस तरह कोई स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो। देखिए, सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कोई भी कंपनी बनाए या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम करें, कोई सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।